आयु पैक नाम पद्धति। आयु पैक नाम पद्धति ओएच को आयु पैक नाम पद्धति में ऑल पढ़ेंगे और ओएच को इसी पद्धति में हाइड्रोक्सी भी पढ़ना है। हाइड्रोक्सी पढ़ना है। ज़्यादातर यूज़ ऑल होगा, हाँ ज़्यादातर यूज़ ऑल होगा। हाइड्रोक्सी जब शुरू में जुड़ेगा तो ये पूर्व लग्न के रूप में हाइड्रोक्सी होगा और अंत में जुड़ेगा तो ऑल होगा। जैसे CH3OH एक कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे मेथेन। एक कार्बन को मेथेन पढ़ेंगे और उसमें OH जुड़ा हुआ है तो ऑल जोड़ देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनॉल नाम हो जाएगा। CH3CH2OH थोड़ा ऊपर लिखते हैं। CH3CH2OH देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन तो नाम हो जाएगा इसका एथेन और उसमें OH है तो उसको ऑल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, है ना। और कहाँ पे है ये? वन नंबर पर। देखो एक नंबर पर है तो इसको बोल देंगे हम लोग में एथेनॉल। चलो लिख लीजिए, हो गया। देखिए CH3, CH2, CH2 और OH क्या नाम होगा? देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, गिनती हम जिधर OH जुड़ा रहेगा उधर से गिनती चालू करेंगे। OH जिधर जुड़ा रहेगा उधर से ही गिनती चालू करेंगे क्योंकि OH को कम से कम अंक मिलना चाहिए। इधर से गिनती करेंगे तो वन टू और थ्री, तीसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है इसलिए ये वाला सिस्टम गलत होगा। गिनती इधर से करेंगे 1 2 3, इसको वन नंबर मिल रहा है। नाम हो जाएगा इसका 1 2 3। तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या पढ़ते हैं? तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। तीन कार्बन को प्रोपेन और उसमें OH है तो OH को क्या पढ़ते हैं? ऑल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। कहाँ पे है? वन नंबर पे। तो इसको वन को इधर लिखो कहीं भी लिखो, प्रोपेनॉल वन हो जाएगा। वैसे ही CH3, CH2, CH2, CH2 और OH जितने भी कार्बन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 कितने कार्बन है? चार को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। चार कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। और उसमें OH को, OH में अनुलग्न क्या लगाना है? देखो OH में अंत में क्या लगाओगे? ऑल लगा दो इसमें, है ना। ब्यूटेन के अंत में क्या लगा दीजिए? ऑल लगा दीजिए। ऑल कौन से प्रत्यय लगाना है? ऑल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। कहाँ पर है? वन नंबर पर है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? ब्यूटेन धन ऑल ऐसे लिखे हैं और वन नंबर पर OH है इसलिए यहाँ पे वन लिख दिया। पांच कार्बन वाले देख लेते हैं। CH3, CH2, 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 CH2
टू और OH कितना कार्बन है हमारे पास, पांच। कितना कार्बन हो गया, पांच कार्बन है। CH3 CH2 ठीक है, एक एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। तो पांच कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पांच कार्बन को पढ़ते हैं पेंटेन। पांच कार्बन को पेंटेन, और उसमें OH है तो ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। अरे वन, पेंटेनॉल वन। देखो पांच कार्बन है तो पेंटेन, उसमें OH है तो ओल जोड़ दिए, तो क्या हो गया, पेंटेनॉल वन। ये आयुपेक नेम है। चलिए आगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तीन का चार कार्बन लिखिए, पांच कार्बन। यहाँ पे OH लगा दीजिए, इसके वैलेंसी तीन, इसके वैलेंसी तीन है, एक और हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके वैलेंसी दो, इसके वैलेंसी और दो कर दीजिए, इसके वैलेंसी तीन और कर दीजिए, इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम बताएंगे क्या होगा। देखो गिनती गिनती हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4, अरे 5। गिनती गिनती इधर से नहीं करेंगे, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, चार नंबर पर OH आ रहा है। इधर से गिनती करेंगे तो चार नंबर पर OH आ रहा है, इसलिए गिनती इधर साइड से करना है, राइट साइड से। तो 1 2 नंबर पर आ रहा है। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन है, फाइव कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। पांच कार्बन को पेंटेन, और दो नंबर पे, दो नंबर के कार्बन पे क्या है, दो नंबर के कार्बन पर OH है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेन और ऑल, पेंटेनॉल टू, ऐसा भी, दोनों नाम सही है, पेंटेनॉल टू। चलिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और OH को है कितना, चार और पांच कार्बन। ठीक, अब यहाँ लगा दीजिए OH को, ठीक है, इधर CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, इधर तीन वैलेंसी तो एक वैलेंसी और हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे CH3 हो गया, क्या नाम होगा। इधर से देखो, इधर से भी गिनती करोगे है ना, लेफ्ट हैंड साइड से भी गिनती करो तो 1 2 3 नंबर पे, राइट हैंड साइड से भी गिनती करो तो 1 2 3 नंबर पे, कहीं से भी गिनती करो, 1 2 3 4 और 5, क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, पांच कार्बन है तो पेंटेनॉल, और तीन नंबर पर OH है तो 3 लिख दीजिए, पेंटेनॉल 3, पेंटेनॉल 3, पेंटेनॉल 3। पेंटेनॉल 3। चलिए साइक्लो कंपाउंड देख लेते हैं, साइक्लो देख लेते हैं। चलो यहाँ OH क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो, वन जहाँ ये जुड़े रहेगा उसको वन बोलेंगे, टू थ्री तो क्या हो जाएगा, तीन। तो सबसे पहले साइक्लो शब्द लगाना है, ये साइक्लिक है ना, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो साइक्लिक, तो साइक्लो, साइक्लो। कितने कार्बन, एक दो तीन कार्बन, साइक्लो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, और OH को ऑल कह दो, प्रोपेनॉल, साइक्लो प्रोपेनॉल वन, वन नंबर पर OH है, साइक्लो प्रोपेनॉल वन। चलो इसमें आ जाइए, क्या नाम होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन चार कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, चार कार्बन है, तो यहाँ पे भी नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
है ना, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ से चालू कर रहे हैं, घूम फिर के यहीं आ रहे हैं, इसलिए साइक्लो। और चार कार्बन है तो ब्यूटे, साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो। और वन नंबर पे क्या है, ऑल है तो ब्यूटेन। चार कार्बन को ब्यूटेन और ओएच को ऑल, साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो ब्यूटेनॉल वन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेनॉल वन। चलो नोट करें। है ना, कितने कार्बन, एक दो तीन चार पांच कार्बन, तो ये भी साइक्लिक है तो साइक्लो। पांच कार्बन को पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। और वन टू थ्री फोर फाइव, ये जहाँ जुड़ रहेगा वहीं से गिनती चालू करना है। पेंटेनॉल वन, साइक्लो पेंटेनॉल वन, साइक्लो पेंटेनॉल वन हो जाएगा इसका नाम। और देखिए है ना, इसको देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अच्छे से बनाओ। यहाँ वो जुड़ गया, ये वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या नाम होगा, साइक्लो, है ना, साइक्लो। साइक्लो छः कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। और ओएच को क्या बोलेंगे, ऑल। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनॉल वन, साइक्लो हेक्सेनॉल वन, इस प्रकार से नाम लिखना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।